नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबविथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से मैं अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न नंबर 8 करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 7 कर लिए है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रश्न नंबर 7 एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप पीछे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का दोस्तों हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, और इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी का दोस्तों हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। फर्स्ट दिया गया है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² ठीक है, इनके दोस्तों हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों गुणनखंड हम किसकी सहायता से करेंगे, हम सर्वसमिका की सहायता से हम इनका गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस मान को हम देखते हैं ना, तब हमें लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई सर्वसमिका लागू हो रही है। किस प्रकार दोस्तों, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक्स क्यूब की हो जाएगी, ये वैल्यू वाई क्यूब की हो जाएगी, ये दोस्तों 3x² y³ हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3x y² की दोस्तों वैल्यू हो जाएगी। सभी के सभी ये चिन्ह प्लस के हैं, तो यानी यहाँ पे प्लस वाली सर्वसमिका लागू हो जाएगी। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस के होते हैं तो ये माइनस वाली सर्वसमिका यहाँ पे लागू हो जाती। तो दोस्तों ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम इस प्रकार लिखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई सर्वसमिका लागू हो जाए। अभी हमें पता चला दोस्तों यहाँ पे ये सर्वसमिका लगेगी, लेकिन इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें ताकि ये सर्वसमिका का मान बन जाए। कैसे, जिस प्रकार हमें दिया गया है 8a³। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया गया 8a³, तो 8a³ को हम किस प्रकार लिखें कि x की क्यूब की तरह लगे। तब दोस्तों इसको हम लिखेंगे 2a³, यानी ये 2a तो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, क्यूब की जगह दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे। आगे दोस्तों किसका, y का क्यूब, y की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, b की क्यूब, प्लस का सिंबल प्लस, 3x² y, यानी 12a²b को हमें क्या लिखना है, 3x² y की तरह लिखना है। तो यानी एक तो इसमें 3 होगा, x यानी 2a, 2a² गुणा किससे होगा दोस्तों, y के मान से, तो y का मान कितना है, b लिख दिया, प्लस का सिंबल प्लस, 3x दोस्तों x का गुणा करना, x की वैल्यू कितनी है, 2a, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों गुणा किससे करना है, y² से, तो y का मान कितना है दोस्तों, b, तो b² अब दोस्तों आप इसको सोल्व कर लीजिए, चाहे मान हमें यही मिलेगा 12a²b, क्योंकि a 2 की स्क्वायर यानी 4, 4 का गुणा 3 से होगा, तो 12a² a और b। इसी प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 का गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, a का a और b का स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर। यानी कि इस मान को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस मान को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे कोई ना कोई सर्वसमिका अपनी लागू हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी सर्वसमिका लागू होगी, ये फर्स्ट वाले सर्वसमिका लागू होगी। इन दोनों का हम कंपेरिजन करने हैं, यानी इसका और इसका हम कंपेरिजन करते हैं, तो एक्स किस जगह में कितना मिलता है दोस्तों, एक्स किस जगह में मिलता है 2a। ठीक है, वाई की जगह दोस्तों कंपेरिजन करते हैं, तो वाई की जगह में क्या मिलता है, बी मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह में 2a मिला, वाई की जगह में बी मिला। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मान हमें दिया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई की क्यूब भी इसको हम लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह दोस्तों मान कितना, 2a, प्लस का सिंबल प्लस, y की जगह मान कितना, b, इसकी क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। दोस्तों हमें गुणनखंड याद करना है, तो गुणनखंड के अंदर हम स्क्वायर क्यूब ये नहीं लिखते, यानी इस मान को हम पूरा लिखते हैं। किस प्रकार, जैसे क्यूब है, इस मान के में क्यूब दी गई, तो यानी क्या होगा, ये मान है वो 3 बार आएगा, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। कैसे, 2a + b, 2a + b और 2a + b, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर से हमें क्या पूछा गया था, किसके हमें गुणनखंड बताने थे, तो 8a³ + b³ + 12a²b + 6a²b, तो दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2a + b, 2a + b, 2a + b, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके सिंबल है ना,
वही चेंज किए गए हैं, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ दो सिंबल चेंज है। सिंबल यहाँ पे दोस्तों इसमें प्लस है तो ये माइनस है, और यहाँ पे भी दोस्तों ये प्लस था तो ये माइनस है, यानी कि दो जगह प्लस की जगह हमें क्या दिया गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस दिया गया। तो दोस्तों ये भी माइनस, ये भी माइनस, दो मान माइनस के किस में होते हैं, इस सर्व समीका में होते हैं, तो यानी यहाँ पे ये सर्व समीका लागू हो जाएगी। तो इस सर्व समीका के अकॉर्डिंग इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आठ ए क्यूब को हम क्या लिखें कि एक्स क्यूब लगे, तब आप बोलोगे सर आप इसको लिख दीजिए दो ए की क्यूब, माइनस का सिंबल हम ये माइनस लगा देंगे। वाई क्यूब यानी बी क्यूब को हम किस प्रकार लिखें, वाई की क्यूब लगे तब आप बोलोगे सर आप इसको बी क्यूब लिख दीजिए, चलिए हमने बी क्यूब लिख दिया, माइनस का सिंबल माइनस। बारह ए स्क्वायर बी को हम किस प्रकार लिखें कि हमें लगे कि तीन एक्स स्क्वायर वाई है, तब आप बोलोगे सर आप इसको इसी प्रकार लिखिए तीन एक्स का मान कितना है दोस्तों, एक्स का मान है दो ए, दो ए की क्यूब, और गुणा में किससे करना है, वाई का मान यानी बी से करना है गुणा बी, प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, इसको हम इस प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि तीन एक्स का मान कितना है दो ए, ठीक है, वाई का मान कितना है दोस्तों बी की स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ पे अपनी एक सर्व समीका लागू हो जाएगी, कौन सी सर्व समीका, ये सर्व समीका। अगर एक्स माइनस वाई की क्यूब हमें दिया गए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर वाई प्लस तीन एक्स वाई स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक्स की जगह कितना मिलेगा, दो ए मिलेगा, वाई की जगह हमें कितना मिलेगा, बी मिलेगा। तो यानी कि अब इस वैल्यू को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या है एक्स माइनस वाई है, तो एक्स की जगह दोस्तों कितने, एक्स की जगह दो ए है, वाई की जगह कितना है दोस्तों बी है, बी की क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। हमें दोस्तों गुणनखंड याद करने हैं, तो गुणनखंड में हम स्क्वायर क्यूब इनको हम नहीं लिखते, यानी इस मान को आगे हम और सोल्व करेंगे, तो यानी क्यूब है तो क्यूब को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, दो ए माइनस बी, दो ए माइनस बी और दो ए माइनस बी, ये दोस्तों क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स और वैल्यू की वैल्यू समान है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू समान है, पहले वाले में दोस्तों क्या था प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है, वही फॉर्मेट है वही तरीका है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड हो गए, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर तीन हमें दिया गया है, 27 माइनस 125 ए की क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमें इस प्रकार लिखना है कि ताकि यहाँ पे कोई सर्व समीका लागू हो जाए, तो दोस्तों ये मान किस में एक क्यूब में है, तो यानी यहाँ पे कोई ना कोई क्यूब वाली सर्व समीका लागू होगी, कौन सी होगी, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, यानी माइनस वाली सर्व समीका यहाँ पे लागू होगी। तो हम क्या करते हैं इस मान को इस प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं कि एक सर्व समीका का प्रसार लगे, कैसे, जैसे 27 को हम इस प्रकार लिखें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो 27 किसका क्यूब होता है, तब आप बोलोगे सर तीन का क्यूब 27 होता है, यानी कि अगर हम तीन के ऊपर क्यूब करें तब हमें कितना मिलेगा 27 मिलेगा। तो यानी आप 27 लिखें चाहे तीन के क्यूब तीन लिखें, बात एक ही है, मान एक ही आएगा। आगे माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। 125 ए क्यूब को हम किस प्रकार लिखें कि ये हमें लगे y की क्यूब है, तब आप बोलोगे सर ए की क्यूब यानी तो एक का क्यूब कर देंगे, लेकिन 125 को हम किस प्रकार लिखें कि ये किसी की क्यूब लगे, तब आप बोलोगे सर पांच के क्यूब का मान कितना होता है 125 होता है, यानी इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे पांच ए की क्यूब। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मान हमें कितना मिलेगा 125 ए की क्यूब ही मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस का सिंबल माइनस लगा देंगे, फिर दोस्तों हमें क्या लिखना है तीन, हमने लिख दिया तीन, एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों तीन, यानी इसका स्क्वायर तीन का स्क्वायर। आगे दोस्तों हमें क्या लिखना है वाई की वैल्यू लिखनी है, तो वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है पांच ए है, वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी पांच ए, प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे। आगे दोस्तों तीन तीन, एक्स की वैल्यू लिखनी है तो एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है तीन है, और हमें क्या करना है दोस्तों वाई स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू रख के इसकी स्क्वायर करनी है। आप दोस्तों इस पद को सोल्व कर लीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको मान यही मिलेगा 35 135 ए, आप इसको सोल्व करके देख लीजिए आपको मान यही मिलेगा 225 ए स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी कौन सी सर्व समीका लागू हो जाएगी, तब आप बोलोगे सर ये सर्व समीका लागू हो जाएगी, तो यानी इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक्स की जगह हमें कितना मिला तीन मिला, वाई की जगह दोस्तों हमें कितना मिला, वाई की जगह हमें पाँच ए मिला। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर मान रख देंगे, तो यानी एक्स का मान कितना तीन, वाई का मान कितना दोस्तों पाँच ए, इसके ऊपर हमें क्या दी गई है क्यूब,
गुणनखंड के अंदर आपको पता है स्क्वायर क्यूब होता है, इसको हम इस प्रकार नहीं लिखते, तो आगे हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे पाँच तीन माइनस पाँच ए, तीन माइनस पाँच ए और तीन माइनस पाँच ए। तो ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके हमने तीन क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर चार हमें दिया गया है, चौसठ ए क्यूब माइनस सत्ताईस बी क्यूब माइनस एक सौ चौवालीस ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे अपनी कौन सी सर्वसमिका लगेगी। तब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे यह मान भी माइनस में, यह मान भी माइनस में, तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस वाली सर्वसमिका लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इस मान को हम ये लिखने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे अपना एक सर्वसमिका का प्रसार बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों चौसठ को आप क्या लिख सकते हैं, चौसठ ए क्यूब को आप क्या लिखे कि आपकी एक्स क्यूब बन जाए। तब आप बोलोगे सर कि आप इसको चार ए क्यूब लिख दीजिए। कैसे, कि चार की क्यूब का मीन्स क्या होता है, चौसठ होता है, यानी चार की क्यूब यानी चार गुणा चार गुणा चार, चार का गुणा चार से सोलह, सोलह का गुणा चार से हुआ तो दोस्तों कितना आता है, चौसठ आता है। तो यानी कि हम चौसठ को क्या लिख सकते हैं, चार क्यूब की लिख सकते हैं, यानी चार ए की क्यूब, इसका मीन्स क्या है, चौसठ ए की क्यूब। माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे। अब हमें दिया गया 27 बी स्क्वायर, तो दोस्तों हम 27 को किस प्रकार लिखें, 27 बी को, तो ये वाई की क्यूब बन जाए। तब आप बोलोगे सर 27 किसका होता है, तीन का क्यूब होता है, बी की क्यूब यानी बी, तो माइनस तीन बी की क्यूब कर देंगे। ठीक है, आगे दोस्तों माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है, तीन एक्स का मान रखना है, तो एक्स का मान कितना है, चार ए, इसके में क्या करना है, स्क्वायर करनी है, गुणा y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तीन बी है, प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे, तीन x का गुणा, तो दोस्तों x कितना है, चार ए, गुणा कर देंगे दोस्तों y, y दोस्तों कितना है, तीन बी की स्क्वायर, तो तीन बी की स्क्वायर। अब दोस्तों हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इसका और इसका, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा चार ए, y का दोस्तों मान कितना मिलेगा, तीन बी मिलेगा। तो यानी कि इस सर्वसमिका को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सर्वसमिका को दोस्तों हम इस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे x है, तो x की जगह में कितना लिखना है, चार ए लिखना है, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे। फिर दोस्तों y का मान कितना है, तीन बी है, तो ये दोस्तों तीन बी की क्या हो जाएगी, क्यूब। गुणनखंड की याद करें तो यानी क्यूब स्क्वायर जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं। तो यानी कि चार ए माइनस तीन बी को हम किस प्रकार लिखें, क्यूब को हम तीन चार ए माइनस तीन बी, चार ए माइनस तीन बी, चार ए माइनस तीन बी, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसके हम इससे ज्यादा और टुकड़े नहीं कर सकते, ये छोटे से छोटे दोस्तों टुकड़े हो गए, यानी गुणनखंड इसके हो गए, तो ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। इससे पहले दोस्तों आप इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक इसको लाइक और शेयर नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे के जो भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच में दिया गया 27 पी स्क्वायर, आगे है माइनस एक बटा 216 माइनस दो नौ बटा चार पी स्क्वायर प्लस दोस्तों हमें यह दिया गया एक बटा चार पी। ठीक है, अब दोस्तों इसको इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई सर्वसमिका लागू हो जाए। तब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताएं। तो 27 को तो आप डायरेक्ट तीन लिख देंगे, पी की क्यूब को दोस्तों आप क्या लिख देंगे, पी, ये तो क्या बन जाएगा, पी की क्यूब, यानी कि तीन पी की क्यूब का मान कितना होता है, 27 पी क्यूब होता है, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे। एक बटा 216 को हम किस प्रकार लिखें कि ये वाई क्यूब बन जाए, तब आप बोलोगे सर एक की क्यूब का मीन्स क्या होता है, एक ही होता है। 216 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 216 दोस्तों 6 की क्यूब होता है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 तो कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। तो यानी 216 को आप कितना लिख सकते हैं, 6 का क्यूब लिख सकते हैं। घातांक नियम मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर नीचे एक समान पावर हो तब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप एक बटा 216 को किस प्रकार लिख सकते हैं, एक बटा 6 की क्यूब भी आप इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे दोस्तों माइनस का सिंबल तो माइनस लगा देंगे, ये लीजिए हमने माइनस लगा दिया। फिर दोस्तों 9 बटा 2 पी स्क्वायर, ये मान दोस्तों किसका है, ये है तीन। ठीक है, तीन गुणा एक्स स्क्वायर वाई का मान, तो हम क्या करेंगे, तीन से इसको गुणा कर देंगे, एक्स का मान कितना है, तीन पी,
तो ये लीजिए हमने 3p की स्क्वायर कर दी। गुणा किससे करना है दोस्तों, y के मान से करना है, तो y का मान कितना है 1/6। अब आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा 9/2p2। आगे प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। 1/4p को दोस्तों हमें किस प्रकार लिखना है कि ये बन जाए 3xy2। यानी सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे, फिर x का मान दोस्तों 3p हमने लिख दिया, फिर हमें क्या करना है y2, यानी y का मान कितना है 1/6 की स्क्वायर करनी है। अब दोस्तों ये क्या हो गया कि ये मान है इस सर्व समीका का प्रसार बन गया। कौन सी सर्व समीका का प्रसार है ये? x - y³ का क्या है? प्रसार है। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, तो x किस जगह हमें मिला 3p, y किस जगह दोस्तों हमें कितना मिला 1/6, ठीक है। तो ये सर्व समीका प्रसार है, तो यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखेंगे तो x की जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 3p लिख देंगे। y की जगह दोस्तों हम कितना लिखेंगे, 1/6 की क्यूब कर देंगे। दोस्तों गुणनखंड के अंदर स्क्वायर क्यूब यानी जो भी पावर होती है उसको हम आगे और लिखते हैं, तो यानी कि 3 पावर इसकी दी गई है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर दी जाती है तो इस मान को हम 2 बार लिखते, ये दोनों क्या होता, गुणा होता, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 दी गई है तो यानी इस मान को हम 3 बार लिखेंगे। ये लीजिए 3p - 1/6, इससे ज्यादा दोस्तों इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यानी क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये दोस्तों हमसे पूछा गया था, तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।